वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी आप जीन्स से बैग कैसे बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ना भूलिए, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ओल्ड जीन्स लिया है और जो मार्किंग एरिया है उससे मैं कट कर लूँगी जीन्स को, कुछ इस तरह फोल्ड करके मैं कैंची की मदद से कट कर लूंगी। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। जो जीन्स का टॉप पोर्शन है उसे मैं यूज करूंगी। अब मैं कुछ इस तरह टॉप पोर्शन प्लेस करके मार्क कर लूंगी स्ट्रेट लाइन साइड से, जैसे कि आप देख रहे हैं, और नीचे से भी मैं पूरा स्ट्रेट लाइन मार्क कर लूंगी। अब मैं यहाँ स्टिचिंग दे दूंगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब कुछ इस तरह मैं जो कॉर्नर का पार्ट है दोनों ही साइड को कुछ इस तरह मैं प्लेस करूंगी। यहाँ मैं पिन्स अटैच कर लूंगी और मैं स्टिच कर लूंगी पिन अटैच करने के बाद दोनों ही साइड पे। तो ये मैंने यहाँ मैंने स्टिचिंग दे दी है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा बैग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब जो बीच का पोर्शन है उसे भी मैं स्टिच कर लूंगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो बेल्ट है उसे भी मैं अटैच करूंगी। ये बेल्ट मैंने अपनी पुरानी ओल्ड कुर्ती से लिया है, आप कोई भी बेल्ट अटैच कर सकते हैं। कुछ इस तरह मैं प्लेस करूंगी अपना बेल्ट तो मेरा बैग का शो और भी बढ़ जाएगा। अब मुझे अपने बैग का हैंडल तैयार करने का है, इसे मैं बाकी जीन्स बचे हुए कपड़े से ले रही हूँ। मैंने यहाँ 4 स्ट्रिप काटे हैं, अब उसे मैं अटैच कर लूंगी। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया है दोनों ही स्ट्रिप। अब मैं कुछ इस तरह फोल्ड करके स्टिचिंग दे दूंगी दोनों ही स्ट्रिप को। तो यहाँ मेरा स्ट्रिप दोनों रेडी हो चुका है, बैग का हैंडल दोनों रेडी हो चुका है। तो कुछ इस तरह मैं प्लेस करके स्टिच कर लूंगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है फ्रंट से भी और बैक साइड से भी मैंने स्टिच कर लिया है दोनों ही हैंडल को। तो यहाँ मेरा बैग रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।